हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ग्रॉसरी स्टोर बिजनेस मॉडल। बेसिकली ग्रॉसरी स्टोर बिजनेस मॉडल की आज मैं आपको सच्चाई बताऊंगा कि क्यों नहीं खोलना चाहिए। हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ कि बिजनेस मॉडल क्या है, कि हमें कितना पैसा लगेगा, कितनी कॉस्टिंग आएगी उसको खोलने में, और कितना हमें रनिंग कॉस्ट आएगी कि हम लोग उस बिजनेस को रन करने के लिए कितना पैसा हमें एक्चुअल में चाहिए। एक तो हमारा ये हो गया कि हमें सामान लाने के लिए इतना पैसा चाहिए, उसके बाद में उस बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें 3-4 महीने के लिए पैसा चाहिए होता है। लेकिन मैं आपको एक ग्रॉसरी स्टोर का सबसे बड़ी चीज आपको बताऊंगा कि जिसकी वजह से हमें ग्रॉसरी स्टोर, किराना स्टोर, ग्रॉसरी मार्ट ये सब नहीं खोलना चाहिए। पेंडेमिक के टाइम पे या पेंडेमिक के बाद हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर बहुत बूम आया था, बहुत ज़्यादा बूम आया था। मतलब आप ये सोच सकते हो, जिसका एक ग्रॉसरी स्टोर था या जिसका एक किराना स्टोर था, उन्होंने भी अच्छा कमाया था। जिनके ग्रॉसरी मार्ट थे उन्होंने अपना इसको फ्रेंचाइजी मॉडल पे लेके गया। जो इसका सामान बेचने वाले थे प्रॉपर, उन्होंने खूब सामान बेचा है इसका। फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जो ग्रॉसरी का इंटीरियर वगैरह का सामान बेचते थे, रैक्स वगैरह बेचते थे, टेबल्स वगैरह बेचते थे, प्रॉपर सेटअप हो गया, मशीन हो गया, बहुत बूम आया है पेंडेमिक के टाइम पे या पेंडेमिक के बाद। क्योंकि लोगों को ये था कि कोविड मार्केट में फैल रहा है, तो वो सामान स्टॉक कर रहे थे, सामान स्टॉक कर रहे थे, तो ग्रॉसरी वालों का सेल अच्छी हो रही थी, दबा के हो रही थी। जिसकी वजह से बड़े जैसे डी मार्ट जैसा स्टोर हो गया, बिग मार्ट, बिग बाजार जैसा हो गया, बिग मार्ट हो गया, 24/7 हो गया, ऐसे स्टोरों ने तो सेल करी है। लेकिन छोटों ने भी करी है, क्योंकि कहीं जगह पे ये बड़े स्टोर्स बनते थे, छोटी किराना शॉप्स ओपन होती थी कि 2 घंटे सुबह ओपन होगी, 2 घंटे शाम को ओपन होगी। तो इनकी वजह से बहुत बूम आया है। जब इसकी वजह से बूम आ रहा था तो लोगों ने दबा के ये खोला है, और जिन्होंने एट उस टाइम ये शॉप्स खोली थी उनकी शॉप्स 99% लोगों की शॉप्स बंद भी हुई है। क्योंकि उस टाइम लोग खरीद रहे थे सामान को, तो सेल भी उनकी हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि ये बिजनेस मॉडल चलेगा, अच्छा चलेगा। लेकिन रियलिटी ये थी कि ये बिजनेस मॉडल कभी चल नहीं सकता है। ये एक कड़वा सच है इस फील्ड का कि ग्रॉसरी मार्ट वाला, किराना शॉप वाला कभी कामयाब नहीं है। आप ये देख के चलिए कि हमें कोई प्रोडक्ट हम मार्केट से लेके आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मैगी देख लीजिए, 9 रुपये की मैगी अप्रोक्सीमेटली आती होगी, 10 रुपये की बिकती है, 1 रुपये का मार्जिन है। आपको अगर उसमें प्रॉफिट चाहिए तो सोचिए कि आपको दिन में कितनी बेचनी पड़ेगी जब जाके आप मैगी की वजह से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। उसमें मैगी की वजह से जो प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो, उसके अंदर आपका स्टाफ की खर्चा है, आपका रेंट है, आपका बिजली का बिल है, इवन वो अमाउंट भी आपका आएगा कि जो एक पैकेट था आपका, आप 20 पैकेट लेके आए, उसमें से एक पैकेट चूही खा गई, चूहा खा गया, एक्सपायर्ड, ये पैकेट भी नुकसान होगा, एक पैकेट खुला रह गया, सीलन पकड़ गई, ये नुकसान भी आप ही कही है। 10-12% का मार्जिन होता है इसके अंदर। वो भी बोलते हैं कि 10-12% का, लेकिन रियलिटी में 10-12% का मार्जिन कोई ग्रोसरी स्टोर वाला कमा नहीं पाता। 10% का मार्जिन बहुत अच्छे लेवल पे बोला जाता है कि बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है, कि बहुत मुश्किल से और बहुत अच्छे लेवल पे 10% का मार्जिन मिल रहा है, लेकिन रियलिटी में कोई ग्रोसरी स्टोर वाला 10% का मार्जिन नहीं कमा पाता। रेगुलर की आप सेल सोच के चलिए, किराना स्टोर की सेल सोचिए 2-3 हज़ार रुपये की बड़ी मुश्किल से है। ऊपर से सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सुबह 6-7 बजे आपको उठना पड़ेगा, क्योंकि दूध, अगर आप दूध का काम कर रहे हैं तो 6 बजे से दूध आना स्टार्ट हो जाता है, 6 बजे दूध के कस्टमर आने स्टार्ट हो जाते हैं। रात के 11 बजे तक, 10 बजे तक आपको ग्रॉसरी स्टोर में बैठना है, कस्टमर है या नहीं है, किराना स्टोर में कस्टमर है या नहीं है, आपको बैठना ही बैठना है। अगर आपका नॉर्मल किराना स्टोर है तो आप अकेले आए, आपके साथ में एक स्टाफ मिलके उसको चला रहे हैं, तो आपका जो सेटअप है वो 2 लाख रुपए में स्टार्ट हो जाता है। 2 लाख रुपए में जो आपका सेटअप स्टार्ट हुआ, आपको सुबह 6 बजे से आप आ रहे हो दुकान पे, पहले दूध वगैरह की, दूध दही ब्रेड की सेल है, तो उन दूध दही ब्रेड की सेल से पहले आपका उनके डीलर डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे जो आपको सुबह सुबह माल दे के जाएंगे, कि 6-7 बजे जो आपके कस्टमर आ रहे हैं आप उनको फ्रेश चीज बेच पाओ, फ्रेश चीजें दे पाओ। दूध के अंदर प्रॉफिटेबल जो मार्जिन होता है 50-25 पैसे का है, अमूल का, मदर डेयरी का जो आता है। ब्रेड के अंदर 3-4 रुपए का मार्जिन है, और 3-4 दिन की वैलिडिटी होती है। ऊपर से कस्टमर को ये है कि मेरे को रोज फ्रेश ब्रेड ही चाहिए। जो कस्टमर लेने आएगा, अगर उसकी 2 दिन की डेट पड़ी है तो नहीं, उसको आज ही की डेट की चाहिए कि जो 4 दिन या 5 दिन चल सके। दूध फ्रेश डेट का चाहिए, दूध की रिप्लेसमेंट नहीं होती है। आपने दूध दही लिया, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपने आज लिया और शाम तक बिका तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक्सपायर तक हो जाता है। कंपनी वाले रिप्लेसमेंट नहीं करते। ब्रेड की रिप्लेसमेंट पहले आती थी, लेकिन पेंडेमिक के बाद से काफ़ी सारी ब्रिटानिया हो गई, मल्टी ओवन हो गई, इन्होंने अपनी रिप्लेसमेंट बंद कर दी, तो वो भी नुकसान आप ही को ही झेलना है। अगर आपने 6,000 रुपये का दूध लिया है तो आधे घंटे बाद ही वो 6,000 रुपये लेने के लिए आ जाएगा। आपकी सेल हो ना हो, 6,000 रुपये वो लेने के लिए आ जाएगा। ब्रेड वाला हाथों हाथ पैसे लेके जाएगा, दही वाला हाथों हाथ पैसे लेके जाएगा। ये छोटे छोटे ड्रॉबैक्स हैं। सेल हो ना हो, बारिश आ गई, आपका दूध आपके पास पड़ा रह गया,
वो भी ड्रॉबैक है। अगर आप कस्टमर के घर सप्लाई कर रहे हैं किराना स्टोर में, तो कस्टमर एक रुपया, दो रुपये, तीन रुपये देते हुए भी उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि वो दो रुपये तीन रुपये क्यों दे रहा है दूध की थैली के ऊपर। बेसिकली 50 पैसे की कमाई है, उसमें भी आप डिलीवरी कर रहे हो। नॉर्मल किराना स्टोर वाले ये काम करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी प्रॉफिट पूछें या प्रॉफिट मार्जिन पूछें तो आई चलाई चल रही है, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स नहीं है। रियलिटी में किराना स्टोर वाला बहुत कम कमाता है। आप एक बात बताइए, 12 घंटे की नॉर्मल जॉब होती है, अगर आप 12 घंटे की नॉर्मल जॉब भी करते हैं तो 25,000 से 30,000 रुपये कमा लेते हैं। वो 12 घंटे की जगह 14-15-16 घंटे बैठ रहा है। सुबह 6 बजे से दुकान खोलने के लिए वो उसको उठना पड़ता है 5 बजे। अब 5 बजे वो बंदा उठा, रात को 10 बजे वो शॉप बंद करके जा रहा है, 10 बजे घर जाने के बाद 11-12 बजे खाना खा के वो सोएगा, तो क्या उसकी लाइफ रहेगी? ना उसकी लाइफ उसकी फैमिली के साथ है, ना उसकी लाइफ कोई बाहर फ्रेंड्स के साथ रहेगी, ना वो बाहर जा सकता है। उसको सिर्फ एक चीज पता है कि सुबह उठ के मेरे को दुकान पे आना है, उसके बाद में रात को मेरे को वापस घर जाना है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस बिजनेस के अंदर। अब आप ग्रोसरी मार्ट खोलने जा रहे हैं, तो मार्ट खोलने के लिए आपको जो फंड्स चाहिए वो कम से कम 10 लाख से लेके 15 लाख तक चाहिए। आपकी शॉप का रेंट हो गया, शॉप खुद की है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो शॉप का रेंट हो गया, शॉप आपकी कम से कम 25,000 से 30,000 रुपये रेंट स्टार्ट होगा। वो ज़्यादा भी जा सकता है, 40,000 से 50,000, 70,000, जगह के हिसाब से कि आप कौन सी जगह में रह रहे हैं। T1 सिटी में रह रहे हैं, T2 सिटी में रह रहे हैं, T3 सिटीज में रह रहे हैं, तो जगह के हिसाब से आपका रेंट हो गया। मॉल में ले रहे हैं तो 1 से 1.5 लाख रुपये रेंट हो गया, जगह के हिसाब से आपका रेंट हो गया। उसके बाद में उसका इंटीरियर हो गया, फिर रैक्स हो गए ग्रोसरी मार्ट के लिए, रैक्स हो गए, उसके बाद में इन्वेंट्री हो गई आपके लिए, मशीन हो गई जो कि आपका बिलिंग काउंटर के लिए करेगी, कार्ट हो गई जो मशीन कार्ट आपको लेनी पड़ेगी, शॉपिंग कार्ट होती है लोहे की जो कस्टमर जिसके अंदर सामान डालते हैं वो आपको लेनी पड़ेगी। तो इन सब का कॉस्ट आप 10 से 15 लाख रुपए लेके चलिए, और आपको स्टॉक डालना है सबसे पहले, और हर स्टॉक की रिप्लेसमेंट नहीं है। जिस आप एक सोच के चलिए कि हमने फॉर एग्जांपल कोई भी XYZ सामान लिया जिसकी हमारी रिप्लेसमेंट नहीं है, 10 बॉक्स हमने उसके लिए और हमारा रिप्लेस नहीं हुआ, उसमें से 4 हमारे बिक गए, जो हमारा बचा रह गया वो हमारा प्रॉफिट भी ले गया, जो 4 बिके थे उसका प्रॉफिट भी ले गया, इवन हमारी एक्चुअल कॉस्ट भी ले गया, तो वो हमारा लॉस है। आप इस चीज को समझ के चलिए कि ग्रोसरी के बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है। लोग कहते हैं कि आप ग्रोसरी का स्टोर खोल लीजिए, इतना आपके प्रॉफिट है, इतना ये मिल जाएगा, इतनी आपके मार्जिन मिल जाएंगे, मैगी की डीलरशिप डाल लीजिए, इसकी सॉस डाल लीजिए, XYZ डाल लीजिए, लेकिन ग्रोसरी बिजनेस में प्रॉफिटेबल नहीं है ग्रोसरी बिजनेस। मेरे काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं, इवन मैंने भी पेंडेमिक के टाइम में स्टार्ट किया था और 15 से 20 लाख रुपए का लॉस झेला है। इवन मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने ये स्टार्ट किया पेंडेमिक के टाइम पे, उससे पहले, लेकिन उन्होंने अपना स्टोर जो है बंद कर दिया क्योंकि लॉस 99% लॉस है। अगर आप ये सोच के चले कि आपकी 10,000 रुपए की रोज की सेल हो रही है तो उसके अंदर प्रॉफिट कितना है, 1,000 रुपये का भी प्रॉफिट निकालने में बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा। और ऊपर से 1,000 रुपये के प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, 30,000 रुपये आपने निकाला, इतना तो आप वैसे ही सैलरी में दे दोगे, रेंट में दे दोगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल में दे दोगे। अब आप ये बोल दो कि बड़े बड़े स्टोर जो हैं वो कैसे कमाते हैं? बड़े बड़े स्टोर एक तो नियर बाय एक्सपायरी माल होता है उनको ले लेते हैं, तो नियर बाय एक्सपायरी माल कंपनी उनको सस्ता दे देती है, और बल्क में लेते हैं उनका एक स्टोर नहीं होता तो ट्रक के ट्रक आते हैं, उनके रैक्स में शो करने के लिए वो कस्टमर से कंपनी से चार्जेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैगी के लिए उन्होंने एक शोकेस बना रखा है, ग्रोसरी रैक बना रखा है कि मैगी सबसे आगे लगेगी, तो वो मैगी सबसे आगे लगाने के लिए उनसे चार्जेस लेंगे, वो चार्जेस लिए, कंपनी उन्हें पैसे दे रही है, उनकी एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसे दे रही है, तो वो माल को सस्ता बेच सकते हैं कि उनका प्रॉफिट 1 रुपए है, वो 1 की जगह 1.5 रुपए में भी बेच सकते हैं कि हाँ मैं 1.5 रुपए और सस्ता करता हूँ, नॉर्मल दुकानदार से सस्ता हो गया तो हम मॉल से जाके सामान खरीदेंगे। उनके इतने सारे फ्रेंचाइजी आउटलेट हैं, 10-15 इवन फ्रेंचाइजी नहीं तो खुद के आउटलेट है, कि वो हर स्टोर पे इतना माल बल्क में बाय करते हैं कि उनको नॉर्मल शॉपकीपर से तो सामान सस्ता मिलता है, इसलिए वो सामान सस्ता बेच लेते हैं। और नॉर्मल शॉपकीपर जो है वो अपना डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद रहा है, उसका 1 रुपया मार्जिन है, वो कहाँ सर्वाइव कर सकता है? इसका सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक यही है कि नॉर्मल दुकानदार बड़े डीमार्ट जैसे, बिग बाजार जैसे मार्ट से कम्पीट नहीं कर सकता, 24/7 जैसे मार्ट से कम्पीट नहीं कर सकता। 24/7 है, 24/7 में कोई चीज़ें अच्छी नहीं है अगर आप ये देख के चलो कि नॉर्मल स्टोर के, लेकिन वो कहाँ सर्वाइव कर रहा है कि वो 24 घंटे खुलता है, उसके पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नॉर्मल शॉपकीपर के पास नहीं है। ये सबसे बड़ा रीज़न है 24/7 जो है इतनी जल्दी एक्सपेंड कर रहा है। डीमार्ट है, डीमार्ट के पास में सबसे सस्ती आइटम्स हैं,
उसके पास में लोअर मिडिल क्लास से लेकर मिडिल क्लास वाले तक आराम से जा सकता है और शॉपिंग करने खूब जाता है। आप अगर नॉर्मल दुकानदार के पास जाते हो उसके पास या तो आइटम्स मिलेंगी या वो ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकता। तीसरी चीज ये आती है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन ने ग्रोसरी मार्ट खोल के और हर चीज का प्राइस ना ओपन कर दिया है कि हम मैगी लेने जा रहे हैं तो मैगी का प्राइस फ्लिपकार्ट पे तो 6 रुपए का 7 रुपए का मिल रहा है कि अगर 4 मैगी खरीदते हो तो 6 रुपए की मिल जाएगी या 5 मैगी खरीदते हो तो 6 या 7 रुपीज की मिल जाएगी या बाई 2 गेट 1 मिल जाएगी। लेकिन नॉर्मल शॉपकीपर तो ये चीज दे नहीं सकता। कस्टमर को ये पता है कि मेरे को वो चीज वहां पे 6 रुपए की या 7 रुपए की मिल रही है तो मैं नॉर्मल शॉपकीपर से क्यों लूं या नॉर्मल शॉपकीपर उस चीज को इतनी सस्ती क्यों नहीं दे रहा कि फ्लिपकार्ट या ये सब दे रहे हैं। इस ये एक छोटा सा बेसिक रीजन ये भी है कि नॉर्मल शॉपकीपर नॉर्मल किराना स्टोर वाला या ग्रोसरी स्टोर वाला कमा नहीं पा रहा। और डी मार्ट हो गया, ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई, ये चीजें कमा रही हैं। एक ग्रोफर का सबसे बड़ा एग्जांपल है, ग्रोफर था किसी टाइम में पेंडेमिक के टाइम में या उससे भी पहले, इन्होंने बहुत स्केल अप किया और बहुत जल्दी लोगों के पास आया। लेकिन एट प्रेजेंट टाइम ग्रोफर को बंद पड़ना पड़ गया क्योंकि स्विगी मार्ट आ गया। स्विगी ने क्या किया कि इंस्टेंट सामान देने लग गया कि 2 मिनट में डिलीवरी, 5 मिनट में डिलीवरी, 10 मिनट में डिलीवरी। आपने स्विगी से ऑर्डर किया आपको इंस्टेंट 10 मिनट में मिल जाता है। वैसे ही ग्रोफर ने भी अपना खुद का निकाला और ग्रोफर मार्ट खुद का बंद कर दिया। आप इस चीज को सोच के चलिए कि कितना कॉम्पिटिशन है इस लाइन में और कॉम्पिटिशन के साथ में आपको डिस्काउंट्स आपको देने पड़ेंगे तो नॉर्मल किराना स्टोर वाला तो सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आपने देखा कि आपके गली मोहल्ले के अंदर किराना स्टोर खुला हुआ है छोटा सा, जो कि पहले से खुला हुआ है आपके मम्मी पापा के टाइम से या दादा दादी के टाइम से और उसकी थर्ड जनरेशन चला रही है, तो वो इस बेस पे चला रही है कि वो खुला सामान देता है। वो 10 रुपए का सामान देता है, 5 रुपए का सामान देता है, 20 रुपए का सामान देता है, 100 रुपए का सामान देता है, इसीलिए। और वो सारा दिन उसी बिजनेस के आगे बैठा रहता है। कस्टमर है नहीं है वो उसको पैसिव इनकम में कभी जनरेट नहीं कर सकता, उसका स्टाफ कभी उसको चला नहीं सकता जब तक वो दुकान पे उसका स्टाफ चला रहा है। लेकिन ग्रोसरी मार्ट ऐसा नहीं है। ग्रोसरी मार्ट को भी कोई भी बंदा 15 लाख रुपए खोल रहा है तो 15 लाख रुपए उस बिजनेस का गुलाम नहीं बन सकता। 15 लाख रुपए देने के बाद भी आपको वहां नहीं बैठना है। हाँ, थोड़ा टाइम बिजनेस रन करने के लिए आप वहां बैठ गए, उसको चलाने के लिए बैठ गए, लेकिन उसके बाद तो आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी कि बिजनेस चलता रहे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत उतनी है। सामान लेने के लिए आपको मार्केट जाना पड़ेगा, अपने स्टोर की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद भी वो चलेगा या नहीं चलेगा कुछ नहीं पता। ऊपर से आपका ग्रोसरी स्टोर में आपकी वैल्यू क्या है, एक लेबर वाले के बराबर है। कस्टमर आता है तो आपको भैया ये है, अंकल ये है, वो इस तरीके से ट्रीट करता है कि जैसे आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दैट्स सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर है इस बिजनेस का कि आपकी खुद की लाइफ खत्म हो जाती है, खुद की वैल्यूज खत्म हो जाती है, खुद के लुक्स खत्म हो जाते हैं। आप जब ग्रोसरी मार्ट में खुद अच्छे से बन के आ रहे हो, थोड़ा टाइम अच्छे से बन के आए, आपको पता है सारा दिन आके शॉप पर ही तो बैठना है, सारा दिन आके मार्ट पर ही तो बैठना है, थोड़ा टाइम में कपड़ों के लुक्स चेंज होने लग गए, हर चीज चेंज होने लगी, तो आप खुद ही एक आपका लुक्स चेंज होगा तो आपकी वैल्यूज खुद के लिए ही कम होती जाएंगी। ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैंने 2 साल पेंडेमिक के टाइम ये बिजनेस चला के देखा है, कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आपको कोई चीज 300 रुपए वाली चीज 150 की मिल भी रही है तो आपको ये नहीं पता कि वो 150 की जो चीज मैं लेके आऊं कितने टाइम में बिकेगी, 6 महीने में बिकेगी, 1 साल में बिकेगी, 15 दिन में बिकेगी, बिकेगी या नहीं बिकेगी, या वो घर में पड़ी रहेगी या स्टोर पे पड़ी रहेगी या उसे घर पे खाना पड़ेगा। ये एक छोटे छोटे ड्रॉबैक है। तो आई सजेस्ट कि कभी जिंदगी में ग्रोसरी स्टोर मत खोलो। ग्रोसरी स्टोर आपको जो लोग खोलने के लिए एडवाइस कर रहे हैं, सबसे पहले आप उसका ड्रॉबैक देखो, हर चीज की एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज होती है। आपको सब लोग एडवांटेज बताते हैं, या फ्रेंचाइजी मॉडल में चले जाओ, अब इनकी फ्रेंचाइजी ले लो, उनकी फ्रेंचाइजी ले लो। ग्रोसरी बिजनेस की ना फ्रेंचाइजी अच्छी है ना ग्रोसरी बिजनेस अच्छा है, क्योंकि मार्जिन नहीं है उसमें, स्केलेबिलिटी नहीं है। रेंट आपको देना ही देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको देना ही देना, स्टाफ आपको रखना ही रखना है, खुद मजदूरों की तरह काम करना ही करना है, सामान लेने के लिए इधर उधर भागना ही भागना है। अगर आप ये सोचो कि नहीं सारा सामान मेरे पास चल के आ जाएगा तो ये नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। न्यूट्रीला फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूट्रीला का ही ले लो। अब न्यूट्रीला जैसे आप ये सोचो कि दुकान पे आ जाएगा तो दुकान पे 350 का आता है, 500 का बिकता है, आप खुद लेने जाते हो वो 200 का आता है, तो आपको ये पता चल जाएगा खुद लेने जाऊंगा तो वो चीज मेरे को और कम मिलेगी, तो आप खुद ही लेने जाओगे। आपकी वैल्यूज ऐसी छोटी छोटी चीजों की वजह से कम हो रही है। सुबह 5 बजे दूध वाला आ रहा है आपका, उसके बाद में कस्टमर 2-2 रुपए के लिए बहस कर रहा है, 2 रुपए 3 रुपए का बिजनेस है और प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इस बिजनेस को करने से पहले सोच समझ के करना, अपने गली मोहल्ले इवन जो स्ट्रीट में खुला हुआ है, मॉल में खुला हुआ है, उस ग्रोसरी मार्ट वाले से बात करो, किराना स्टोर वाले से बात करो, उसका एक्सपीरियंस लो, उसके बाद में प्रॉपर R&D करने का, अगर आपको ये खोलना है तो उससे पूछ कर खोलो कि उसकी एट प्रेजेंट टाइम उसकी लाइफ क्या है, उसका स्टेटस क्या रह गया है,
उसमें कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना कमा रहा है, कितना नहीं कमा रहा है, ये छोटी छोटी चीजें उससे पूछो और उसके बाद में ग्रोसरी स्टोर खोलो। नहीं तो आई सजेस्ट कि कभी मत खोलो, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स बूढ़े हो गए हैं और उनके लिए आपको शॉप खोल के देनी है, आपके फादर रिटायर करके आए हैं, तो ग्रोसरी मार्ट मत खोल के दो। आई सजेस्ट, मैंने कहीं ऐसे बच्चों को देखा है जो कि उनके पेरेंट्स की एज हो गई है, रिटायर हुए हैं, तो अब क्या करना है जी, घर के नीचे शॉप है, ग्रोसरी मार्ट खोल दो। ये सजेशन मैं आपको नहीं कभी भी दूंगा कि पेरेंट्स को भी वो काम खोल के दो। इससे बेटर उस शॉप में कुछ और खोल लो, एक्स वाई जेड कुछ भी खोल लो, लेकिन ग्रोसरी मार्ट मत खोलो। बेनिफिट बिल्कुल बेनिफिट बिजनेस नहीं है, सबसे बेकार बिजनेस है।